अपना कथन समाप्त करने के बाद यीशु गलील प्रदेश से निकलकर यहूदिया प्रदेश के उस क्षेत्र में आ गए जो यर्दन नदी के पार है। वहां एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और यीशु ने रोगियों को स्वस्थ किया। कुछ फरीसी यीशु को परखने के उद्देश्य से उनके पास आए तथा उनसे प्रश्न किया, क्या पत्नी से तलाक के लिए पति द्वारा प्रस्तुत कोई भी कारण वैध कहा जा सकता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुमने पढ़ा नहीं कि वो जिन्होंने उनकी सृष्टि की, उन्होंने प्रारंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया तथा कहा, अतः पुरुष अपने माता पिता से मोह बंद तोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। परिणाम स्वरूप अब वे दो नहीं परंतु एक शरीर हैं। इसलिए जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग न करे। ये सुन उन्होंने यीशु से पूछा, तो फिर मोशे की व्यवस्था में ये प्रबंध क्यों है कि तलाक पत्र देकर पत्नी को छोड़ दिया जाए? यीशु ने उन पर यह सच स्पष्ट किया, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही मोशे ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी से तलाक की अनुमति दी थी। प्रारंभ ही से ये प्रबंध नहीं था। तुमसे मेरा कहना है कि जो कोई व्यभिचार के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से अपनी पत्नी से तलाक कर लेता और अन्य स्त्री से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति पत्नी का संबंध ऐसा है तब तो उत्तम यही होगा कि विवाह किया ही ना जाए। यीशु ने इसके उत्तर में कहा, ये स्थिति सब पुरुषों के लिए स्वीकार नहीं हो सकती, अतिरिक्त उनके जिन्हें परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। कुछ नपुंसक हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे हैं, कुछ हैं जिन्हें मनुष्यों ने ऐसा बना दिया है तथा कुछ ने स्वर्ग राज्य के लिए स्वयं को ऐसा बना लिया है। जो इसे समझ सकता है समझ ले। कुछ लोग बालकों को यीशु के पास लाए कि यीशु उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करे, मगर शिष्यों ने उन लोगों को डांटा। ये सुन यीशु ने उनसे कहा, बालकों को यहां आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसों का ही है। ये कहते हुए यीशु ने बालकों पर हाथ रखे। इसके बाद यीशु वहां से आगे चले गए। एक व्यक्ति ने आकर यीशु से प्रश्न किया, गुरुवर, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा अच्छा काम करूं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि अच्छा क्या है? उत्तम तो मात्र एक ही है, परंतु यदि तुम जीवन में प्रवेश की कामना करते ही हो तो आदेशों का पालन करो। कौन से? उसने यीशु से प्रश्न किया। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का सम्मान करो तथा तुम अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। उस युवक ने यीशु को उत्तर दिया, मैं तो इनका पालन करता रहा हूँ, तब अब भी क्या कमी है मुझमें? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो अपनी संपत्ति को बेचकर उस राशि को निर्धनों में वितरित कर दो और आओ मेरे पीछे हो लो, धन तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगा। ये सुनकर वो युवक दुखित हो लौट गया, क्योंकि वो बहुत धन का स्वामी था। अपने शिष्यों से उन्मुख हो यीशु ने कहा, मैं तुम पर एक सच प्रकट कर रहा हूँ, किसी धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश कठिन है। वास्तव में परमेश्वर के राज्य में एक धनी के प्रवेश करने से एक ऊंट का सुई के छेद में से पार हो जाना सहज है। ये सुनकर शिष्य चकित हो यीशु से पूछने लगे, तो उद्धार कौन पाएगा? यीशु ने उनकी ओर एक टक देखते हुए उन्हें उत्तर दिया, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस पर पतरस यीशु से बोले, देखिए हम तो सब कुछ त्याग कर आपके पीछे हो लिए हैं, हमारा पुरस्कार क्या होगा? यीशु ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, ये सच है कि उस समय जब मनुष्य के पुत्र अपने वैभवशाली सिंहासन पर विराजमान होगा, तुम भी जो मेरे चेले बन गए हो इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करते हुए 12 सिंहासनों पर विराजमान होगे। हर एक जिसने मेरे लिए घर, भाई बहन, माता पिता, संतान या खेतों का त्याग किया है इनसे कई गुणा प्राप्त करेगा और वो अनंत काल के जीवन का वारिस होगा। किंतु अनेक जो पहले हैं वे अंतिम होंगे तथा जो अंतिम हैं वे पहले।